छतरपुर में कोविड केयर सेंटर में एक शख्स द्वारा फांसी लगाए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले के सामने आने के बाद सागर कमिश्नर जेके जैन ने इस मामले को लेकर अपना पक्ष सामने रखा है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि परिजनों से जब बात की गई तो इलाज वाला कोई भी इश्यू सामने नहीं था। उन्होंने कहा कि कोविड 19 जिस तरीके से बढ़ रहा है उसको देखते हुए सुरक्षा के उपाय अपनाए जाना जरूरी है। हालांकि उन्होंने ये बात भी कही कि जो मृत्यु दर कोरोना की है वो काफी कम है और आगे आकर इस पर भी काबू पाया जा सकेगा, लेकिन फिलहाल लोगों को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते रहना चाहिए और कोशिश करें कि कोरोना से स्वयं बचाव हो। करना चाहते हैं कोरोना को लेकर, कोरोना को लेकर आम जन से हमारी यही अपील है कि हम सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। ये हमने देखा छतरपुर में काफ़ी सारे प्रकरण अभी आए हैं कोरोना पॉजिटिव के, इसका कारण यही है कि हम लोगों ने जो एहतियात बरतनी चाहिए थी वो एहतियात नहीं बरती। हम सब लोग ये ध्यान रखें कि हमारी थोड़ी सी लापरवाही हमारे लिए किसी और के लिए भारी पड़ सकती है। जो हम लोग बार बार प्रचार प्रसार करते रहते हैं कि आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बिना किसी कारण लोग घर से बाहर ना निकलें, इन सब चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। जिनको होम क्वारंटाइन किया गया है वो भी नियमों का पालन करें, इधर बाहर इधर उधर ना घूमें, क्योंकि यदि कोई पॉजिटिव है या सस्पेक्ट है दूसरों को भी वो फैला सकता है। इन सब चीज़ों का हमको बराबर सर आज एक मौत भी हुई है, परिजनों ने आरोप लगाए कि इलाज सही नहीं हो पा रहा था इसकी वजह से। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो डेथ की आपने बात कही है, बहुत ही मुझे अफसोस हुआ ये जानकर। लेकिन जहाँ तक कि उपचार का प्रश्न है, आपका कहना है कि उपचार नहीं हुआ, क्योंकि जो परिजन से बातचीत हुई है प्रशासन की उसमें उपचार की बात कहीं नहीं आई है। उसमें जो बात आई है वो उसकी कोई व्यक्तिगत कठिनाई होगी, उसके संबंध में और अधिक जांच होगी, अभी कहना उचित नहीं होगा, तो पुलिस उसकी जांच कर रही है, तो जो भी जांच होगी उसके जो परिणाम है सब आप। सर कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि कोरोना पॉजिटिव जो मरीज में उनका मनोबल डाउन होता है, तो क्या इसमें एक मनोचिकित्सक की कहीं ना कहीं जरूरत ऐसे सेंटरों पर? आपने इतनी बढ़िया बात कही, हम लगातार यही चर्चा कर रहे थे अभी कलेक्टर साहब से, इसके हिसाब से कि काउंसिलिंग की बहुत अधिक आवश्यकता है, हम काउंसिलिंग करते रहें और उसके लिए अभी कई सारी बातें हुई, आप उनके परिणाम भी देखेंगे, आपस में बातचीत कैसे हो, मनोचिकित्सक बाहर रहेंगे, माइक से भी बात करेंगे हम लोग और भी विभिन्न तरीक़ों से। अब मैं सब बातें नहीं कहूँगा, कलेक्टर साहब तैयारी कर रहे हैं और आप देखेंगे थोड़े दिनों में हमारे जितने भी लोग प्रभावित हैं उनके साथ में इस तरीके का एक इंटरेक्शन होगा जिससे कि उन लोगों का मनोबल बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात समझने की यह है कि आखिर डेथ कितने लोगों की हो रही है, कितने लोगों की हो रही है, 2%, और वो भी आंकड़ा अभी गिरेगा, बहुत तेज़ी से गिरेगा। तो इतनी कम मृत्यु है इसका मतलब है कि 98-99 लोग 100 में से उसे बच के जीवित निकल आ रहे हैं सुरक्षित, ठीक है ना। तो उसको हर व्यक्ति को समझना चाहिए और आप लोगों को मैं अनुरोध करूँगा इस बात को फैलाएं कि इसमें मृत्यु बहुत कम है, ठीक है ना, मृत्यु दर बहुत कम है, इसलिए किसी को भी अपना मनोबल गिरने नहीं देना चाहिए। हमने देखा 93 ईयर्स के लोग, 90 के ऊपर के लोग जो हैं इतनी अधिक उम्र के बावजूद वो जीवित बच के निकल रहे हैं। डायबिटीज़ हैं जिनको बहुत ज़्यादा, जिनको हार्ट ट्रबल है, ऐसे लोग भी सब ठीक होके निकल रहे हैं।